दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार रवीश कुमार। सिर्फ एक काम उनका रह गया है, राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नैरेटिव के हिसाब से चलना, जो सेट किए करें राहुल गांधी। रवीश कुमार जी, बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं, मार के लटकाए जा रहे हैं, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इन सब में, और आपको बता रहे हैं कि इवन बंगाल में मुस्लिम उसके कई बैकवर्ड में शामिल किए गए, कोर्ट का एक आदेश आ गया, उसमें भी वो आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश में जो हिंसा फैला रहे हैं उनका खुल करके समर्थन, ये हैं रवीश कुमार। अब देखिए रवीश कुमार का क्या है कि आप देख रहे होंगे, राहुल जी के साथ यात्रा में भी थे, प्रधानमंत्री आवास में हुई लूट, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री आवास में, कहाँ, बांग्लादेश में। कुछ लोगों की आदत होती ख्वाबों में रहने की, ख्वाबों में रहने की, वही इनकी है रवीश कुमार जी की, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं कई जगह उन्होंने, मतलब वो देख उधर रहे हैं, सपने उनको भारत के आ रहे हैं, जबकि इनको नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं है। दूसरी, हिंदुस्तान में विपक्ष इतना नपुंसक है, इतना नपुंसक रहा है कि कभी भी कहीं से सीधे उसने मूवमेंट ही नहीं किया। जो 100 सीटों से ज़्यादा ना आ पाए उनकी तरफदारी करके क्या भारत में तख्ता पलट की सोच रहे हैं? संभव नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में हुई लूट, लूट नहीं जनता का अधिकार और शक्ति, मतलब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो लूट नहीं है, शक्ति है, जनता का अधिकार, मतलब लोग मारे जा रहे हैं, लटकाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोग सामान लेके भाग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और उसको क्या कह रहे हैं, ये अधिकार है शक्ति, ये अधिकार शक्ति। अब आप समझ लीजिए इस तरह की लूट को जो व्यक्ति कहे शक्ति है, अधिकार है, तो अगले का सोच लीजिए मानसिकता क्या होगी। मानसिकता ऐसी, मानसिकता के लोग ऐसे जो समर्थन करते हैं, इसका मतलब वो लूट खसोट का और इस सब का अगर समर्थन करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं लूट या खसोट कर रहे होंगे। आगे क्या कर रहे हैं रवीश कुमार, बांग्लादेश की लुटेरी इस्लामी भीड़ के साथ रवीश कुमार ने उपद्रवी भीड़ को देश की जनता और छात्र जैसे शब्द कहकर वीडियो में संबोधित किया और दिखाया कि बांग्लादेश के लोग राष्ट्रपति भवन से सोफे, कुर्सियां, अटैची, बैग, साड़ी, मछली, बकरी, खरगोश वगैरह कैसे ले जा रहे हैं। देखिए मतलब क्या पूछ रहे हैं, ये दिखाया कि वहां से कपड़े वगैरह, ये चीज़ दिखाना चाहिए, अंडर गारमेंट्स वगैरह दिखना है, क्या ये चीज़ दिखलाना चाहिए, ये रवीश कुमार को शोभा देता है, क्या ये शोभा देता है, क्या इनकी दोस्ती किससे है, इनसे दिखा क्या रहे हैं, अंडर गारमेंट दिखला रहे हैं बांग्लादेश के। और इनके आप समझ लीजिए, इनका जो भाई है वो बिहार में दलित बेटी लड़की के साथ और नाबालिग के साथ रेप कर रहा था, पकड़ा गया था इनका भाई, ये सिफारिश कर रहे थे इनसे, किससे, ये दिखा क्या रहे हैं, अंडर गारमेंट्स वगैरह। और देखिए क्या कह रहे हैं, बकरी चुरा ले गए, मछली चुरा ले गए, ये नहीं दिखा रहे हैं वहाँ हिंदू मार के लटकाए जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं, ये नहीं दिखला रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, 22 मिनट 6 सेकंड का एक वीडियो इन्होंने बनाया, रवीश ने बांग्लादेश में मचाए उत्पात को छात्रों का प्रदर्शन बताया, साथ ही प्रधानमंत्री भवन में घुसने वाली दंगाई भीड़ को देश की जनता कहकर वीडियो संबोधित किया। जो दंगाई वहाँ पे घुस रहे हैं राष्ट्रपति भवन दिखला रहे हैं, जबकि वो जो थी प्रधानमंत्री भवन क्या है इनको ये भी नहीं मालूम। अब प्रधानमंत्री भवन कह रहे हैं, भारत से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी आगे लिखे बांग्लादेश, ये भी नहीं, ये अरफा खानम, ये 8-10 लोगों का पूरा गुट है जो भारत के खिलाफ। अब इनको ये चिंता नहीं कि भारत को सीमाएं सील कर देनी चाहिए, भारत को इसके लिए
इंतजाम करना चाहे कुछ नहीं, ये सीधे बांग्लादेश को उसको जायज़ बतलाना है। और किसके दोस्त? राहुल जी के। ये देखिए, ये सीन नहीं दिखलाना है कि बांग्लादेश का झंडा देखिए कहाँ पे दिखलाना है। रवीश कुमार जिस भीड़ को कृत्य को शब्दों के हेर फेर से जस्टिफाई करते दिख रहे हैं और उनकी हरकतों को लोकतंत्र की लड़ाई जैसा दिखा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उसी भीड़ ने छात्र प्रदर्शन के नाम पे कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये नहीं बतला रहे कितने लोगों को, ये रवीश कुमार नहीं बतला रहे। इस भीड़ ने थाने के थाने जला डाले, उसमें काम करने वाले पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। यही भीड़ जो आरक्षण के नाम पर सड़कों पर उतरी है और जिसकी ताकत देख रवीश कुमार हैरानी जता रहे हैं, वो खुलेआम हिंदुओं को निशाना बना रही है, मंदिरों पर हमले कर रही है। लेकिन रवीश कुमार जैसे लोग इसे छात्रों को सफल विद्रोह बताकर संबोधित कर रहे हैं और शेख हसीना जिन्हें खुद चुनावों के जरिए सत्ता मिलती रही है, उन्हें तानाशाह के तौर पर दिखा रहे हैं। शेख हसीना को ये भूल रहे हैं कि जिनकी ये तरफदारी करते हैं, जिनके बल पे इनका पूरा साम्राज्य चल रहा है, रवीश कुमार का राहुल जी, राहुल जी की जो दादी हैं, उनको सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कुछ मिला है तो नेहरू और गांधी नाम से मिला, तीसरा बांग्लादेश के उस पे विजय से जो भारतीय सेना ने जीती थी, ये दोबारा सत्ता में आ गई थी 1971 में, सिर्फ किसकी वजह से? बांग्लादेश की वजह से और मुजीबुर रहमान की फैमिली की वजह से। अब आप देख रहे हैं कि यही है मुजीबुर रहमान जी की बेटी, इनको ये गलत बतला रहे हैं और खुद को सही बतला रहे हैं और अपने भाई को नहीं बतला रहे गलत जो पकड़ा गया था। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये रवीश कुमार जैसे लोग आरक्षण का समर्थन और विरोध मुल्क और भीड़ को देख कर करते हैं। भारत में आरक्षण कम करने की बात होना इन्हें गलत लगता है और बांग्लादेश में आरक्षण का बढ़ाना इनके लिए समस्या की बात है। रवीश कुमार इस लिस्ट में अकेले नहीं है जो बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और लूट को जायज़ बता रहे हैं। अरफा साहब खान, रवीश कुमार इस लिस्ट में अकेले नहीं है जो बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और लूट को जायज़ बता रहे हैं। अरफा खानम शेरवानी समेत कई नाम हैं जिन्हें ये पूरा तख्तापलट लोकतंत्र को बचाने का एकमात्र तरीका जैसा दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या हिंसक आंदोलन में शामिल भीड़ सिर्फ छात्रों की थी? इसमें बांग्लादेश के विपक्ष का कोई रोल नहीं था? क्या इसमें इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों का हाथ नहीं था? अब आपको बता दें, जो वहाँ पे जियाउर रहमान की वाइफ थी खालिदा जिया, उसमें राष्ट्रपति ने स्पेशली उनको आदेश से रिहा कर दिया। आज उनकी कोर्ट से रिहाई होनी है जेल से, और उनका नाम ये नहीं ले रहे हैं, वहाँ के छात्रों को बता रहे हैं कि क्रांति की। ये देखिए मुजीबुर रहमान जी की फ़ोटो है और ये शेख हसीना है। किस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं इंडी गठबंधन के इशारे पे, भारत में आरक्षण का ये घटाने का विरोध कर रहे हैं भारत में, और वहाँ पे आरक्षण का जो है ये समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पे आरक्षण को बढ़ाने में समर्थन कर रहे हैं, वहाँ घटाने में समर्थन। और इनको क्या ज़रूरत है दूसरे मुल्क की तलबदारी करने का, उसके फेवर करने का? भारत में आप विरोध करेंगे, वहाँ हिम्मत नहीं हो रही है विरोध कर, इसका मतलब आपने निगेटिव एटीट्यूड भारत के लिए अपना लिया, या आपके दिल में, आपके आत्मा में, और आपने ये तय कर लिया कि भारत के खिलाफ बोलेंगे। क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये देशद्रोह के दायरे में नहीं? क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? अरफा खानम कैसा होना चाहिए? इस पर आम जनता इस चीज़ को सोचती है कि तुम बांग्लादेश की तरफदारी कर रहे हो, वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। अब देखिए क्या पोजिशन वहाँ पर, लोग प्रधानमंत्री आवास से सामान लेके भाग रहे हैं, सामान लेके सब भाग रहे हैं। और किस तरह से देखिए कि बांग्लादेश के छात्र आंदोलन में कम जमात इस्लामी के कट्टरपंथी प्यादे घुस गए। छात्रों को पता ना चला होगा विदेशों में फंडिंग होने के जमात, हल्के में मत लीजिएगा, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने पर
उन्हें तानसा भगोड़ा कहने से पहले ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। इनफैक्ट तस्वीरों को अपने घर में फ्रेम करवा लेना चाहिए। ये लोग महिला के सके कितने गलत कपड़े लेकर के प्रदर्शन, ये चीज़ मालूम किसने की? इसमें खुश कौन हुए? तथाकथित पत्रकार कौन? रवीश कुमार। तब उनके जवाब पे लोग कह रहे हैं कि मतलब एक प्रकार से सेम सेम, ये रवीश कुमार का स्तर है कि रवीश कुमार बड़े उससे बता रहे हैं। ऐसे लोगों को लोकतंत्र सेनानी कह रहे हैं, ऐसे लोगों को नई क्रांति का वाहक कह रहे हैं, छात्र बतला रहे हैं, जबकि ये सीधी लूट खसोट है और इसका लोग विरोध कर रहे हैं ट्वीट करके। अब देखिए रश्मि सामंत ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने दिखाया सब, जो लोग दावा करते हैं बांग्लादेश में हाल की घटनाएं छात्रों द्वारा नेतृत्व किया गया विरोध प्रदर्शन था ताकि उस शासन परिवर्तन कर सकें, उन्हें इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए ताकि उस स्वयं तय कर सकें खूनी आतंकवादियों का कितना बचाव को तैयार। तमाम लोग मारे गए हैं, जान से मारे गए, वहाँ खुला कत्लेआम हो रहा। रवीश कुमार जी या अरफा खानम जी, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? वहाँ खुलेआम कत्लेआम हो रहा है और आप उसकी तुलना भारत से कर रहे हैं। वहाँ पे रोज़गार नहीं है, वहाँ की सत्ता ने पैसे खाए, यहाँ तो इस तरह का कोई आरोप नहीं। ये देश बहुत मजबूत है, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन आज ही नहीं, वहाँ पे मिलिट्री शासन आज नहीं, पहले भी कई बार हिंदुस्तान पाकिस्तान में लग चुका है। भारत में इस नाम की कल्पना ही नहीं हो सकती। यहाँ पे आर्मी का ना कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है, ना ही यहाँ का लोकतंत्र जिंदा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक समझदारी रही। इसके पहले विपक्ष यही सत्ता पक्ष था, मगर उन्होंने सत्ता पक्ष का हमेशा साथ दिया। अब देखिए वहाँ पे खास तौर से हिंदुओं के घर, मंदिरों के घर, देखिए सोसाइटी में ये वहाँ बदमाश जा रहे हैं, ये छात्र आप कहेंगे, वहाँ खुल करके कह रहे हैं उन लोगों को निकाल दीजिए और उनको हम मारना चाह रहे हैं, खुलेआम वहाँ पथराव कर रहे हैं, देखिए ये साफ है। और ये उनको छात्र बता रहे हैं, आंदोलनकारी बता रहे हैं और ये आज़ादी की लड़ाई बता रहे हैं। ये कौन सी आज़ादी है कि अल्पसंख्यक वहाँ पे मारा जा रहा है और आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और यहाँ पे अल्पसंख्यक के लिए आप अपनी जी जान लगाने को तैयार हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? रवीश कुमार जी को या राहुल जी को? राहुल जी को सोचना चाहिए, उनके राहुल गांधी ने, उनके पिताजी ने, उनकी दादी जी ने और उनके दादी के पिताजी ने अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा लड़े, और आप अपनी पुश्तें भूल गए, आप खामोश हैं राहुल जी, आप खामोश हैं। देखिए ट्वीट में क्या है, जितेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि ढाका में एक बड़ी हिंदू समाज की गेट पर इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ आती है और मस्जिद की कोशिश कर रही है कि चिल्ला रही है, गेलो ब्रह्मा को मारेंगे, गे सोलो हम जिहादियों को मारेंगे। ये देखिए आप पोजीशन ये है कि इन लोगों को, ये हिंदू बस्ती, इस हिंदू लोग रहते हैं, गेट बंद है और गेट के लिए कह रहे हैं और वहाँ से पथराव कर, आप देख लीजिए सामने है, ये रवीश कुमार जो इस तरह से गलत ढंग से समर्थन कर रहे हैं, क्या जायज है? ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना चाहिए, कुछ भी हो देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये पत्रकारिता नहीं है। ऐसे धर्मनिरपेक्ष लोग आपको बता रहे हैं देशद्रोह के दायरे पे आते हैं, आप बांग्लादेश में उचित बतला रहे हैं और उसकी तुलना भारत में इस तरह का भी आप कह रहे हैं कि भारत में भ्रष्टाचार है। यहाँ पे लोगों को सोचना चाहिए, सुधरना चाहिए। कुल मिलाकर के आप इस जगह पर आम जनता समझ रही कि आपका जो एटीट्यूड है वो देश के विरोध में है। आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जो नैरेटिव है वो देश के दुश्मनों के साथ है और ख़ास तौर से कुछ राजनीतिज्ञों के इशारे पर है, और देश हित में सोचना चाहिए। आप देश हित में नहीं सोच रहे हैं, आप जो भी कृत्य कर रहे हैं ये कायदे से मुल्क विरोधी है और ये देशद्रोह के दायरे पे आता है।